हाय गाइस, इस वीडियो सीरीज़ के लास्ट टू वीडियोस में हमने माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो सभी डिस्कस किए। ये वीडियो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि लैब में हम माइक्रोस्कोप को किस तरह से हैंडल करते हैं। इसमें हमने इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को एज ए एग्जाम्पल लिया है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं ये हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे हैंडल करते हैं ये पूरा हम डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस तरह से सिस्टम पर हमें इमेज फॉर्म होकर दिखती है, और किस तरह का ये माइक्रोस्कोप्स होते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। अभी हम एनिमल सेल कल्चर लैब में हैं इसलिए हमने वहाँ पर सभी सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर ग्लव्स एंड लैब कोट एंड हेड कवर आप देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप इस तरह का रहता है। यहाँ पर ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में मीन्स यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है वो ये नीचे की तरफ से है और लाइट यहाँ पर ऊपर से फॉल की गई है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये स्टेज है माइक्रोस्कोप का स्टेज, और यहाँ पर ये आई लेंसेज हैं। अगर एक आई लेंस होता है तो उस माइक्रोस्कोप को मोनोकुलर माइक्रोस्कोप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दो आई लेंस हैं, दोनों आईज से हम देख सकते हैं। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप को बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इमेज को। ये स्टेज होती है जहाँ हम जिस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और स्टेज के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोला गया है इस तरह के लेंसेज को क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रहते हैं। यहाँ जिसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ हम ये फ्लास्क रख लेते हैं, इस फ्लास्क में सपोज कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स की हम मॉर्फोलॉजी विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास हुआ वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो यहाँ हर एक ऑब्जेक्टिव लेंस की एक मैग्निफिकेशन पावर होती है जो कि गिवन होती है इस लेंस के ऊपर। जैसे यहाँ अगर हम जूम करके देखें तो ये लेंस पर गिवन होगा 20x, 30x, 40x, 60x। मीन्स 20x मीन्स वो लेंस 20 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज दिखा सकता है, 40x मीन्स 40 गुना ज़्यादा बड़ी, 50x, 60x मीन्स 60 टाइम्स ज़्यादा बड़ी इमेज हम उस लेंस से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एडजस्टमेंट नोब्स होती हैं, जैसे अगर हमें मैग्निफिकेशन मतलब अगर जैसे यहाँ हम रख देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को जिसको हम जिस सेल्स को विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसमें सेल्स हैं, ये सब एडजस्ट कर सकते हैं इसको हम इस तरह से मूव करके। एडजस्टमेंट मतलब जस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर वो सेल्स होने चाहिए और लाइट के नीचे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस प्लेट को एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ से फोकस कर सकते हैं। अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसको अगर हम मैग्निफिकेशन लेंस को देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। मतलब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की पोजीशन को चेंज करके मैग्निफिकेशन क्लियर इमेज देख सकते हैं कि किस तरह की इमेज हमें चाहिए। इमेज देखने के लिए हमारे पास सिस्टम अटैच रहता है माइक्रोस्कोप के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं ये कैमरा है, कैमरा डिवाइस है। इस कैमरा डिवाइस से जो भी इमेज, जैसे हम जूम करेंगे इमेज को तो वो इमेज यहाँ पर जब हम जूम करते हैं सेल्स को, तो ये जो सेल्स की जो भी इमेज है, जो भी मॉर्फोलॉजी है सेल्स की, वो ये कैमरा उस मॉर्फोलॉजी को कैप्चर करता है और वो इमेज हमें यहाँ पर सिस्टम पर दिखती है। यहाँ हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि इस केस में यूज़ किया गया है माई कैम सॉफ्टवेयर। जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी इमेज होगी हमारी, जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, वो इस कैमरे की हेल्प से हम माई कैम सॉफ्टवेयर पर इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से सेल्स लाइव हैं, कौन से सेल डेड हो चुके हैं, सेल्स की क्या मॉर्फोलॉजी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इमेज से मिल जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल रही होगी, और इसी तरह के आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।